Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. स्टैन जो बाइक गोलब में चलाते हैं वो तो बहुत डेंजर है। हमारे एक्सीडेंट हुआ, पूरा ये फटे हुए है, ये पूरा फटा हुआ है, पर इतना सारे होने के बाद में भी मेरा हौसला बुलंद है। मेरा ख्वाहिश था कि हम भी एक दिन पिक्चर में काम करेंगे और मेरा स्टोरी तो लोग देखे बोलेंगे हाँ कुछ कर रहे हैं। जब सर्कस में मैं एंट्री हुए तो मैं ये जितने स्टंट देखे वो सभी स्टंट वो लड़की करते थे, उनका नाम है मिकल। वो लड़की के सामने सभी लड़की कोई कुछ नहीं है। अब मुझे देख के उनको ऊपर चाहते खोने लगे। जब उनका नंबर आते थे मैं जाते थे हेल्प करने के लिए जाते थे और छुप छुप के देखते थे। अब उनको देखने के चक्कर में और जो नहीं भी करने में सकते थे वो और अच्छा करके दिखाते थे कि मैं इनको दिखाएंगे अच्छा से करके हाँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। चाट होने के बाद में हम क्या सोचे, अभी हम तो लेबर है वाटी से, हम दो जने का कैसे हो सकता है शादियाँ। जो उनको पीछे पूरा सर्कस का लड़का लोग दीवाना दे, उसके बाद में हमारा भी दिल में चॉइस है कि हम भी क्यों नहीं ये पूरा पूरा आइटम करें। मर जाएंगे वो अलग बात है, पर मैं काम करके छोड़ेंगे। फिर हम अपने प्यार का इजहार करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से शादी करेंगे। बाइक पे बैठाने के बाद पहले गाड़ी जो आगे पीछे करने के ऐसा करने के लिए कम से कम 10-15 दिन ऐसा कराए। लोग 5 महीने 6 महीने में वो खेल सीखते हैं, हम 3 महीने के अंदर में वो खेल सीख के नंबर गए। इसी तरह से हम लोग का थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा। फिर हम लोग वहाँ से गए जाके कोर्ट में शादी कर लिए। 2 साल के बाद हमको बच्चे हुआ। अभी जिंदगी में जो होगा होगा देखा जाएगा, हम लोग सब जने एक साथ तो है। जब तक रहेगा सांस जब तक ये काम करते रहेंगे। हम लोग के जब ये शो अभी चालू होते हैं सर्कस दिख के तो हमारे एक शो में मतलब 2 मिनट मिनिमम 2 मिनट हम बाइक स्टैंड करते हैं, मतलब गोलब में गाड़ी चलाते हैं। उसका बाद जाते हैं अपने टेंट में बैठते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में आसमान होता है।